नमस्कार स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में मैं हूं कवीन सचान सरोकार में आज बात दिल्ली एनसीआर में हाउसिंग सेक्टर यानी कि घर की रिपोर्ट बताती है कि पिछले पांच साल में दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री लगातार कम होती जा रही है इसी साल की अगर तीसरी तिमाही में देखें तो ये गिरावट करीब अट्ठारह फीसदी की है लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि लगातार सरकारों के प्रयास नए कानून और आर्थिक मदद के बावजूद घर खरीदारों को घर क्यों नहीं मिल रहे बिल्डर की ओर से उस क्वालिटी का जो वादा था वो पूरा क्यों नहीं हो रहा आर्थिक तौर पर बिल्डर घर बनाने से कतरा क्यों रहे हैं और ओवरऑल इस सेक्टर में जो तकलीफें हैं वो कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में और साथ ये भी समझेंगे कि असल में इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं सरकारों ने या फिर असल में जो नए कानून या नए कदम उठाए गए वो कितने प्रभावी रहे हैं और किन नए कदमों की जरूरत है अगर इस पूरे सेक्टर को हमें एक बार फिर से वापस पटरी पर लाना है क्योंकि इस सेक्टर का हिस्सेदारी अगर कहें आर्थिक विकास में एक बड़ी हिस्सेदारी और खासतौर पर रोजगार के मसले पर इस सेक्टर का योगदान करीब पांच फीसदी के ऊपर बताया जाता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर खेती के बाद यानी कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर से मिलते हैं इससे जुड़े हुए जो काम है उसमें मिलते हैं तो समझेंगे इस पूरे के पूरे सेक्टर को इसकी दुश्वारियों को और आगे के विकल्पों को हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं प्रोफेसर राजेश सहाय हैं जो कि सेक्रेटरी हैं फोर से आपका स्वागत है राजेश जी हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर पी एस राणा हैं आप सी एम डी हुड को स्वागत है हमारे साथ गौरव गुप्ता हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी कडाई से हैं आपका स्वागत है और के के खंडेलवाल साहब हैं रेरा के हरियाणा से चेयरमैन हैं आप आपका स्वागत है और शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ, साथ हैं फॉर्मोस एम डी अर्बन डेवलपमेंट से आप रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है शंकर साहब आपका भी और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ जनता कुछ पब्लिक जो कि इस सेक्टर के साथ सीधे या फिर प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई है आप सबका स्वागत है शुरुआत में करना चाहूंगा राजेश जी आपसे जिस तरीके से घर का सपना और एन में पिछले तीन साल की रिपोर्ट्स तमाम कदम आर्थिक कदम कहूं कानूनी तौर पर कहूं रेड़ आने के बाद भी स्थिति में कितना बदलाव या कितनी रफ्तार सपना घर का कितना पूरा होता आगे बढ़ा है देखिए अगर हम दस साल पीछे चले जाएं तो तीन साल की सारी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी दस साल पीछे जो हमने जो डिमांड एंड सप्लाई को बिना रेगुलेट किए और हमने बिल्डरों को परमिशन दे दिया उन्हें लैंड टेन परसेंट देने के बाद उन्हें लैंड की अलॉटमेंट हो गई तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सप्लाई इतनी ज़्यादा है उस हिसाब से डिमांड है नहीं और बाकी जो अथॉरिटीज़ हमारी हैं जो पहले से चली आ रही हैं उनका आचार विचार स्वरूप वही है रेरा के आने से ज़रूर हमें कुछ बल मिला है लोगों को बल मिला है और रेरा के पावर्स को हमें और बढ़ाने पड़ेंगे दूसरी चीज़ें ये हैं कि जब भी हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं या हाउसिंग सेक्टर के डिमांड की बात करते हैं तो हमें पहले इम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा फिर हम वहाँ हाउसिंग ला सकते हैं एक और जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जितने घरों की रिक्वायरमेंट हमारे भारत में थी हुडको के हमारे साथ सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं उतने घर ऑलरेडी बन चुके हैं अब सिर्फ अपग्रेडेशन की बात हो रही है तो अपग्रेडेशन में जो सेल है वो उस हिसाब से हो नहीं रहा है जो टू बेडरूम वाले हैं वो टू बेडरूम में ही रहना चाहते हैं बिकॉज इतनी अनियम हुई कि लोग घर खरीदने से डर रहे हैं oh. वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू बेडरूम में ही काम चलाना चाहते हैं थ्री बेडरूम में नहीं जाना चाहते क्योंकि hmm. जो टू बेडरूम की स्थिति है वो भी ठीक नहीं है तो वो देखते हैं कि तीन बेडरूम हो जाने से भी कोई खास अंतर नहीं आएगा चौथी चीज़ ये है कि बिल्डरों का हमने जो पीछे जो जमीन दिया उन्हें दस परसेंट पे अलॉट कर दिया कुछ उसमें इन्वेस्टर आ गए कुछ फाइनेंसर आ गए और बाद में ये हुआ कि जो सेल है हमारा वो स्लो डाउन हो गया तो अब बिल्डर बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहा है इससे कई सेक्टर अटैच हैं जिनमें रोज़गार की कमी हो गई है बिल्डिंग सेक्टर जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है बिल्डर्स में वो फर्दर आगे नहीं आ रहे हैं वो जो प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करना नहीं चाह रहे हैं कुछ बिल्डर के जेल जाने से ये सेक्टर बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट की ओर जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था आज के डेट में आप इससे करीब चार पाँच करोड़ लोग पूरे भारत में जुड़े हुए थे स्टील हो गया आपका कंस्ट्रक्शन हो गया सीमेंट हो गया सेल्स हो गए मार्केटिंग हो गई फाइनेंस हो गया एडवर्टीजमेंट हो, हो, हो गया ये सारे सेक्टर को अगर आप देखते हैं तो करीब पाँच से छः करोड़ लोग जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री से आज के डेट में इंडिया के दस करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उसी तरह से यह भी एक मेजोरिटी सेक्टर था हमारा तो वो एम्प्लॉयमेंट भी चला गया है ओके okay. और ट्रस्ट डेफिसिट मार्केट को रूल कर रही है ओके okay. लोग फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं गौरव साहब क्योंकि मैं कहूँ 2010 से लेकर 2019 में जो एक बड़ा ट्रेंड दिखा ए प्रोजेक्ट के लिए बायर से पैसे बी प्रोजेक्ट के लिए जमीन आप बिल्डर्स खरीदते रहे और सी प्रोजेक्ट की तैयारी रेरा के आने से पहले तक ये दौर काफी चला आज के दौर में तमाम कदम फाइनेंशियल हेल्प की बात हुई सरकार की ओर से बायर्स ने पैसे अपने पेमेंट कर दिए रेरा के आने के बाद थोड़ी सी कसावट भी आई लेकिन इसके बावजूद जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो रस्ते पर क्यों नहीं आया देखिए आप अगर एक बात करें रियल एस्टेट को तो रियल एस्टेट एक कोई ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है कि आपने पैसे दिए और आपको चीज़ मिल गई उसके आप घर को बुक कराते हैं वो घर बनता है आपको मिलता है और उसके बाद अब पाँच साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी है तो एक ये पूरे का पूरा एक लंबा सिनेरियो है अगर आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंडिया की जब भी बात होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी प्री रेरा एंड पोस्ट रेरा आप अगर पोस्ट रेरा की सारी बात करते हैं तो पोस्ट रेरा के बाद डिलीवरी मैकेनिज्म किसी भी डेवलपर की सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता है क्योंकि तो अगर टाइमली घर नहीं मिलता तो उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज या पेनल्टीज इतनी ज़्यादा है कि कोई भी डेवलपर उसको सस्टेन नहीं कर पाता आज की डेट में पोस्ट रेरा के बाद डेवलपर्स ने नो डाउट अपनी स्पीड कम करी है डेवलपर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ये रहा है कि अपने जो प्रोजेक्ट जो पुराने चल रहे हैं उनको कंप्लीशन की ओर लेके जा सके और जो पुराने प्रोजेक्ट्स की हम जो दिक्कतें देख रहे हैं वो पुराने प्रोजेक्ट्स दिक्कते की दिक्कतें सिर्फ इंटरनल डेवलपर्स की वजह से नहीं है उसके दिक्कतों का सबसे बड़ा रीज़न रहा है इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हम लोग 2014 से देख रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है इसका मॉडल क्या रहता है पार? इसका मॉडल ये रहता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर 200 करोड़ रुपया लगना है तो उसके अंदर डेवलपर अपनी जेब से 40 से 50 करोड़ रुपया लगाता है 50 करोड़ रुपया बैंक लोन लेता है बाक़ी कस्टमर एडवांसेस आते हैं जिससे वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है नो no डाउट कि कुछ डेवलपर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने फंड डाइवर्जन किया है जो उस प्रोजेक्ट का पैसा आया उसे ए को बी में ले गए बी में सी को ले गए जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी देखनी पड़ी बट इकोनॉमिक स्लोडाउन होने की वजह से जब वो कस्टमर एडवासिस का पैसा नहीं आया तो प्रोजेक्ट अपने कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकता उसी की वजह से देख रहे हैं कि आज की डेट में एक बड़ी मात्रा में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सत्तर से अस्सी परसेंट कम्प्लीट हैं मगर वो कम्पलीशन की तरफ नहीं जा पा रहे क्योंकि जो बाकी बचा हुआ बीस परसेंट पैसा है उसका प्रबंध नहीं हो पा रहा हमारी इंडस्ट्री बॉडी क्रेडई ने गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिप्रेजेंटेशन दिए कि आप कुछ एक ऐसा मैकेनिज़म लेके आइए जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके गवर्नमेंट ने हमारी सुनी एक पच्चीस हज़ार करोड़ के फंड का अनाउंसमेंट किया गया और उसमें प्राथमिकता उन्हीं प्रोजेक्ट्स को दी जाएगी जो नियरिंग कम्प्लीशन हो <coughs> कैश फ्लो पॉजिटिव हो जिनकी कीमत जो है वो डेढ़ करोड़ के अंदर अंदर हो अगर मैं आपसे दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ और एक पर्टिकुलर साइज़ के हो दूसरी बात टाइम एंड अगेन हमने रिक्वेस्ट करी है कि वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग बिल्डर्स को दी जाए यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है हम आपसे किसी चीज़ का वेवर नहीं मांग रहे हम आपसे सिर्फ टाइम एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि जो मेरी लोन रीपेमेंट है आप उसे एक साल या दो साल आगे बढ़ा दीजिए इस पीरियड का मुझसे जो आपका ब्याज बनता है ब्याज लीजिए उसके पीछे वजह क्या है कि जो पैसा मैं बैंक को रिपेमेंट के रूप में दूँ वो पैसा मैं अपने प्रोजेक्ट में लगाऊँ प्रोजेक्ट कम्प्लीट करूँ डेवलपर बायर को उसका घर दूँ और जो बाकी मेरी बची हुई इन्वेंट्री है वो भी मार्केट में बिकेगी उससे आने वाले पैसे से मैं जो मेरा बैंक लोन है वो मैं बैंक को लोन वापस कर सकूं और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे अभी राजेश जी ने कही कि इस सेक्टर में उठाव वापस क्यों नहीं आ रहा इट इज़ द हाई टाइम दैट द परसेप्शन ऑफ रियल इस्टेट शुड बी चेंज्ड देखिए आज की डेट में हम कोई भी एक रियल इस्टेट की बात करते हैं चाहे वो हम कहीं भी जाते हैं रियल इस्टेट का मतलब इस नेगेटिव सेक्टर यहाँ पे जितने गलत काम होते हैं रियल इस्टेट में होते हैं ऐसा नहीं है क्रडई जो आज हमारे जो दो शहरों में जो उसके चैप्टर्स हैं सारी चीज़ें हैं चाहे वो अनऑर्गेनाइज लेबर्स को स्किल करने का काम हो या आपका क्लिन क्लीन सिटी मोमेंट हो ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर्स की बात हो ये सब हमारे मेंबर्स द्वारा प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाए जा रहे हैं वी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इन बिल्डिंग द नेशन ठीक है कुछ गलतियां हुई हैं बट उस गलतियों से अब इस सेक्टर को और ज़्यादा नहीं पनिशमेंट देना चाहिए द टाइम हैज कम वेयर इन दिस सेक्टर शुड बी गिवन द ड्यू इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है hmm. दूसरी बात जो अब इस आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जीडीपी का नंबर क्वार्टर टू क्वार्टर गिर रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि रियल इस्टेट का स्लोडाउन जो पिछले चार साल से पाँच साल से चल रहा है अब उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बाकी सेक्टर्स में दिखने लगा है ओके okay. जिस तरीके से राना साहब इस सेक्टर है और जो दोनों ही मैं कहूँ कि बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो बायर या फिर जो कि बिल्डर एसोसिएशन है कड़ाई hmm. की ओर से ट्रस्ट फैक्टर की दोनों बात कर रहे हैं सवाल hmm. यह है कि ट्रस्ट टूटा क्यों और इसके पीछे की जिम्मेदारी होगी किसकी या है किसकी द बेसिक फैक्टर इज़ अफोर्डेबिलिटी आप आप ये देखिए कि एक परिवार जैसे हम पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी आज प्रैक्टिकली चाइल्ड एजुकेशन हैज़ बिकम द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी तो एक परिवार अपनी आमदनी का सत्रह से बीस प्रतिशत घर पे लगा सकता है चाहे वो ईएमआई का रूप हो चाहे वो रेंटल का हो अब इस सत्रह से बीस प्रतिशत के कंट्रीब्यूशन में आपको कोई घर मिल रहा है आज अगर वो इससे ज़्यादा लगाएगा तब बाकी उसकी बेसिक नीड खत्म हो जाएंगी तो बेसिक चीज़ क्या हुआ है दो हजार पाँच छः के बाद जब हमारे बिल्डर्स ने आई पी ओज लाने थे तो जगह जगह ऑक्शनिंग करा के प्राइसेज इतनी बढ़ा दी ये वही एक पीरियड था जबकि प्राइसेज एकदम कई गुनी हो गई थी उसके बाद से अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई अब या तो अफोर्डेबिलिटी बढ़े लोगों की इनकम बढ़े या प्राइसेस कम हो तभी तो अफोर्डेबिलिटी आएगी आज हम हर परिवार अपने से लोअर स्टैंडर्ड के मकान में रह रहा है इसी वजह से और वो चीज़ें कब होगी दूसरा एक और रीज़न है हमें प्राइमेट सिटी सिंड्रोम को कंट्रोल नहीं किया हमारे जो मेगा सिटीज़ या जो मेट्रो सिटीज़ थे वो फैलती चली गई और ये भी आपको पता है कि जब सिटी का साइज तीन या चार लाख से बढ़ने लगता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग शूटअप करने लग जाती है आज दिल्ली में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एक छोटे शहर में नहीं है आप दिल्ली से दो दो सौ किलोमीटर दूर चले जाइए ज़मीन भी आपको ढाई सौ तीन सौ ढाई तीन हज़ार रुपये स्क्वेयर मीटर पर मिल जाएगी तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी लेकिन हमने जॉब्स वहाँ नहीं क्रिएट किए जॉब्स हमने सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में या मेगा सिटीज़ में क्रिएट किए तो उससे हमें एक्चुअली क्या चाहिए कि जॉब्स जो हैं हमारी इंडस्ट्री सब मरती जा रही हैं मेगा सिटीज़ में क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो हमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स नॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था पहले वो लॉप साइडेड थे सिर्फ इंडस्ट्री बना दी और कुछ नहीं बनाया तो फेल हो गए हमें इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बनाने पड़ेंगे और एवरेज अगर दो से तीन लाख आबादी का शहर है तो उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगा घरों की भी अफोर्डेबिलिटी होगी जॉब्स भी होंगे और उसी लेवल के जॉब्स होंगे तो हमारी जो एक बेसिक प्लानिंग जो है वो बेसिक रूट इज़ द कॉस्ट और रियल एस्टेट का असर जैसा अभी हमने पता है सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रियल एस्टेट की डिमांड जो क्रिएट होती है वो 270 इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करती है।, है इसका मल्टीप्लायर अफेक्ट उधर भी आता है दूसरा हाई कॉस्ट ऑफ़ रियल इस्टेट आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ़ इंडेक्स बढ़ने से आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी हर चीज़ की सर्विसेज uh, और गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है वही टमाटर अगर आपको एक छोटे शहर में दस रुपये मिलेगा तो यहाँ आपको पचास रुपये या सत्तर रुपये मिलेगा तो हमारा एक बेसिक ओवरऑल रीजनल प्लानिंग का मेन इसमें मुद्दा है खनेरवाल साहब रेरा के आने से पहले कहा गया कि रेगुलेटर नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं रेरा आने के बाद आप क्योंकि हरियाणा से हैं हरियाणा में जो मामले हैं काफ़ी ज़्यादा सुधार देखता है लेकिन अगर वनस्पति में उसके दूसरे राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश में देखता हूँ तो अभी भी जिनको पजिशन मिल चुका है वो दिक्कत में है वो क्वालिटी को लेकर दिक्कत में है दूसरे फैक्टर्स को लेकर हैं और जिनको पजिशन नहीं मिला है वो आठ साल दस साल बारह साल के इंतज़ार के बाद भी चक्कर लगा रहे हैं क्या वाकई कुछ लोग ये कहते हैं कि रेरा को वो हथियार वो वो टूल्स नहीं मिले कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके क्या ऐसा है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है इसको सिस्टम को रेगुलेट करने इस सिस्टम को एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कहाँ पर कमज़ोरी है रैरा के आने से पहले रियल एस्टेट सेक्टर अनरेगुलेटेड था और अनरेगुलेटेड होने के कारण कुछ इस सेक्टर में इस तरीके की चीज़ें घटी जिससे कि एक, एक बायर का जो विश्वास है ना वो कम हुआ जैसे रेरा के बारे में अब कहा जाता है कि रेरा है तो भरोसा है रेरा है तो विश्वास कायम है रैरा के आने से सबसे बड़ी चीज़ जो पहले क्या चार कमियाँ थी सबसे पहली कमी थी रेरा के आने से पहले कि प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवरी नहीं थी जिससे सबसे ज़्यादा आहत जो थे ना जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वहाँ पूरे जीवन की अपनी कड़ी मेहनत की कमाई उन्होंने लगा दी और जैसा कि मकान के लिए आदमी है ना अपनी सारी बचत को प्रयोग में लाता है और दस दस साल बारह बारह साल वेट करने के बावजूद भी उन्हें यह नहीं मालूम कि उन्हें मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा कब मिलेगा उनका पैसे का क्या होगा तो सबसे पहली चीज़ जो थी कि डिलेज जो थे प्रोजेक्ट डिलेज उन पर कोई कंट्रोल नहीं था दूसरी चीज ये थी कि जो कहा गया वो नहीं मिला स्पेसिफिकेश कुछ बताए गए साइज कुछ बताई गई वो चेंज कर देंगे गई तो इस लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जो कमी रही ये रही कि जो जैसा कि आपने कहा कि क्वालिटी एस्पेक्ट वो इग्नोर हुई तीसरी चीज ये थी कि जो पैसा था जो बायर से पैसा कलेक्ट हुआ जैसा कि गौरव जी ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो पैसे की व्यवस्था है उसमें कुछ पैसा वो अपना लगाता है कुछ पैसा लेंडर से लेता है कुछ पैसा वो फिर बायर से एडवांस के तौर पर लेकर के लगाता है लेकिन इसमें क्या हुआ कि कोई अंकुश न होने के कारण या तो उसका डाइवर्जन हुआ या साइफनिंग ऑफ हो गई अब रेरा के आने से क्या है पहली चीज तो एक गारंटी लीजिएगा गारंटी है कि, कि किसी भी बायर का पैसा जिस प्रोजेक्ट के दिया गया है उस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जाएगा लेकिन रेरा को अपनी मॉनिटरिंग को सख्त रखना होगा क्योंकि रेरा का काम यही है कि प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट से लेकर के कंपनीशन तक उसको मॉनिटर करें जो बिल्डर ने कहा है कि मैं तीन महीने में मेरी ये प्रोग्रेस होगी अगले तीन महीने में ये होगी फिर अगले क्वार्टर में ये होगी उस प्रोग्रेस को रहना ने मॉनिटर करना है फिर उसने जो फंड्स फ्लो अपने बदलाए हैं जो फंड्स uh, उसमें आने हैं फंड जितने उस कंस्ट्रक्शन में खर्च करने हैं उनके बारे में भी एक पूरी एक उसमें मेकेनिज्म है एक्ट में कि जो पैसा बायर से इकट्ठा किया गया है उसका सत्तर पैसा एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा और उस अकाउंट से उस पैसे का खर्च जो होगा ना वो केवल प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर होगा जो तीस परसेंट बच गया ना ऐसा नहीं है उस पैसे का प्रयोग आप कहीं और कर सकते हो वो पैसा भी प्रोजेक्ट पर ही खर्च होना है इसमें बड़ी बड़ी भारी बनानती है कई जगह तीस परसेंट पैसे को आप बजाय कंस्ट्रक्शन के आप और चीज में खर्च कर सकते हो जैसे आपने एडवांस देना है मार्केटिंग में खर्च करना है लेंडर का आपने किस्त पे करनी है तो इस प्रकार से रेरा के आने से पहली गारंटी तो ये हुई कि जो बायर का पैसा है वो सेफ है नंबर दो बैंकर ने जब अपने हाथ खींच लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल होने लगे एन ने अपने हाथ खींच लिए आई की फ्यासकों के बाद तो रेरा के आने से दूसरी गारंटी जो है वो लैंडर को है कि लैंडर का पैसा जब आएगा तो उस प्रोजेक्ट में लगेगा लैंडर भी उसको जो है मॉनिटर करेगा और रेरा भी उसको मॉनिटर करेगा अब ऐसा नहीं लैंडर का पैसा लेकर के इस प्रोजेक्ट पर किसी और चीज़ में खर्च कर दिया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पैसे की भी सुरक्षा है पूरी जितने भी हमारे पुराने बंद किए हुए प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्ट्स में हमने जब लैंडर से डायलॉग द्वारा मनाया, सबको इकट्ठा किया स्टेक होल्डर्स को तो ये चीज़ सामने आई कि भाई आप गारंटी कैसे देते हो तो उनको पूरी मैकेनिजम बताई गई और अब बैंकर्स जो हैं वो बहुत सारे जैसे गौरव जी ने कहा कि रिश्डूल करना है उन्हें लोन

कि रहरा का काम है जो हित हैं इनके तीनों स्टेक होल्डर्स के उनके बीच में एक सामंजस्य बनाए रखना बैलेंसिंग द इंटरेस्ट okay. और दूसरा है प्रोटेक्टिंग द राइट्स राइट तीनों के प्रोटेक्ट करना और राइट क्या है प्रमोटर का राइट भी है यदि उसको टाइमली पैसा नहीं आएगा एलोटी से जो उसने उसको किस्तें दी हैं

जब बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे कॉस्ट वही रखी और साइजेस कम कर दिए गए परचेज इसलिए कम हुई सबसे पहला रीजन 32 मीटर के प्लॉट्स बिल्डर्स ने 32 मीटर के फ्लैट पचपन मीटर के फ्लैट में बेचने शुरू कर दिए दूसरी अभी लेटेस्ट आपने रेरा की बात कही बिल्कुल सही है रूल बना इसलिए बना लेकिन आप जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो उसमें बहुत गैप है आम आदमी यह समझे हुए है कि रेरा का एडवांटेज यह हो रहा है कि बिल्डर्स बरी हो जाएं और अब उनके लिए गवर्नमेंट पैसा दे लाइक सब्सिडीज लाइक दिस फंड्स एटसेट्रा जो आम आदमी समझ रहा है मैं आपको प्रैक्टिकल फील्ड की बात कह रहा हूं आपस के डिस्कशन की टेक्निकल चैम्बर में कुछ भी बात हो सकती है तीसरी बात राजेश जी ने तो कही, कही थी सबसे पहली बार में कि बिल्डर्स के इंटरेस्ट को बिकॉज ऑफ द फंड रेगुलेशन और बिकॉज ऑफ द बैंकर्स इशू उन्हें प्रॉब्लम आई और वो काम आगे नहीं बढ़ा पाए इसको चेक करने के, के तो थाउजेंड करोड़ की जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उसके बाद कंटिन्यूस फोन आने चालू हो गए बिल्डर्स ऑफिस से आप अपना पेमेंट आगे कीजिए जो मैंने उस टाइम पेमेंट किया था उसके बाद का बैलेंस सिक्सटी पेमेंट के लिए फोर्स किया जा रहा है तो अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि पेमेंट किसको दूँ और क्यों दू बिकॉज फोर्टी परसेंट पेमेंट देने के बाद मैं रेंट भी बिया कर रहा हूँ मैं बैंक की इंस्टॉलमेंट भी बिया कर रहा हूँ मैं एक्सपेंसेस भी अपने डेली निकाल रहा हूँ तो अब इस कंडीशन में मैं सिक्सटी परसेंट देकर ऑलरेडी मैं एक हाथ फंसा चुका हूँ ऐसा ना हो मैं पूरा सही उसमें फंसा दूँ okay. तो इसमें क्या गाइड करेंगे आप मुझे खनैलवाल साहब दो चीज़ें क्योंकि हालांकि उन्होंने यूपी की बात किया अब हरियाणा से हैं लेकिन दो बातें रेरा के बारे में कही जा रही है पहली चीज जो मैं कहूँ कि भ्रांतियाँ हैं या वाकई हकीकत है रजिस्ट्रेशन की रेरा आने के बाद जो है जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है वही इसके दायरे में है इसके पहले प्रोजेक्ट दो हज़ार दस से ग्यारह में शुरू हुए उनका क्या होगा क्या वो हो उसके दायरे में या रेरा के किसी कंट्रोल में है दूसरा जैसे उन्होंने कहा कि अगर पच्चीस हज़ार या दस हज़ार करोड़ की फाइनेंस की सरकार की मदद की बात है और जो शेड्यूल है पेमेंट का उससे अलग जाकर अगर बायर को कहा जा रहा है पेमेंट कीजिए या पूरा पेमेंट कीजिए तो वो क्या करें बहुत अच्छी बात आपने कही क्योंकि किसी भी नए कानून के बारे में संशय होते हैं किसी भी नई व्यवस्था के बारे में लोगों के दिमाग में कई तरह की शंकाएं होती हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि रैरा में रैरा आने से पहले भी जो प्रोजेक्ट थे और जो पूरे नहीं हुए जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए पजेशन मिल गया उनका तो चलो अभी अलग से हम डिस्कस कर लेंगे लेकिन जो प्रोजेक्ट दस में शुरू हुए ग्यारह में शुरू हुए बारह में शुरू हुए और रेरा के आने तक पूरे नहीं हुए सबसे पहली चीज तो ये नोट करिएगा कि उनको क्या दिया जाता है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जिनमें कंप्लीसन सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट रेरा की एम्बिट में है रेरा की मॉनिटरिंग में है रेरा के यदि उसमें किसी भी कानून का उल्लंघन होता है तो प्यूनिटिव एक्शन रेरा को लेने की सख्तियाँ मैं आता हूँ आपको इसमें कैसे एक मई 2017 को एक कानून आया एक मई 2017 के बाद जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा वो तो रजिस्ट्रेशन हो गई जो एक मई 2017 से पहले प्रोजेक्ट चल रहे थे उन प्रोजेक्ट्स को भी तीन महीने के अंदर अंदर जो रेरा रह आने के तीन महीने के अंदर यानी एक मई 2017 से लेकर के 31 जुलाई 2017 तक उन्होंने अप्लाई करना था रजिस्ट्रेशन के लिए और उस एप्लीकेशन में जो सूचना और जानकारी देनी थी पहले तो पुराने प्रोजेक्ट जानकारी देनी थी कि भाई पहले आपने कितना पैसा लिया हुआ है क्या इनकम आपकी प्रोजेक्ट में लैंड कॉस्ट क्या है कितने आपने फ्लैट्स बनाने हैं कितने आपने इसमें अलॉट कर चुके हैं कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री है अलॉट किए तो किस रेट पर किए हैं कितना पैसा आ चुका है कितना वायरस ने पैसा और देना है पहली चीज जब यह सारी सूचना आ गई इस सूचना के बाद उससे पूछा गया उसने रजिस्ट्रेशन करने से पहले कि आप पूरा कैसे करोगे क्योंकि हमारा है कि जिस एलोटी का पैसा फंसा हुआ है तो रजिस्ट्रेशन पर अगले डेढ़ साल में दो साल में ढाई साल में पूरा करूंगा रीजनल पीरियड देना पड़ेगा अनरिजनल पीरियड नहीं मानती रह रहा आपका प्रोजेक्ट सिक्सटी परसेंट बचा है आप दो साल आप ले लीजिएगा आपके प्रोजेक्ट क्या बीस परसेंट बचा है तो आप छह महीने में करिएगा जब इस प्रोजेक्ट को अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो आती है कि वो उसका प्लान देता है पूरा कि मैं हर क्वार्टर में ये ये काम करूँगा ये मेरा फंड इनफ्लो होगा यहाँ से मैं फंड अरेंज कर रहा हूँ और मेन मुख्यतः देखने की बात क्या है उसमें जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसकी बेसिक मिनिमम वैल्यूएशन करिएगा आप और जो पैसा बायर से आना है उसको टोटल कर दीजिएगा okay. तो जितना पैसा और लगना है प्रोजेक्ट में वो यदि इससे कम है तो प्रोजेक्ट कैश सरप्लस है लेकिन दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही इन्होंने कि एक आदमी अब उसका दो साल और लेट हो ले गया यानी पहले तो दो हजार बुकिंग कराई दो में देना था तीन साल में अब दो में नहीं दे पाया फिर आपने कहा कि दो साल और लेगा यहां एक बहुत बड़ी जो इस कानून ने राहत दी है एलोटी को बहुत बड़ी राहत दी है अब तक आपका पैसा फंसा हुआ था वहां अब आपका पैसा वहां जरूर है बट इट इ लाइक ए डिपॉजिट कैसे 2015 में पैसा उन्होंने पेंशन देना था नहीं दिया कानून के माध्यम से प्राइवेट एग्रीमेंट जो था बिल्डर और आपके बीच में बिल्डर क्या करता था कि 24 परसेंट यदि मेरा आपने टाइम टेपल किया 24 परसेंट और यदि आ, मैं नहीं करता हूं तो पांच स्क्वायर फीट तो इस, इस ए, एक्ट के माध्यम से इस कानून के माध्यम से जो डोमिनेंट पोजिशन का मिस था बिल्डर का जो अनईक्वल कंडीशन थी उनको खत्म कर दिया प्राइवेट एग्रीमेंट के उस क्लोजेज को एब्रोगेट कर दिया और इस कानून ने एक बात कही जिस तारीख को आपको पेंशन मिलना था मान लो 2015 में मिलना था जनवरी में और अभी तक नहीं मिला है जिस दिन से लेट हुआ है उस दिन से जितना पैसा आपका जमा है उस पैसे पर आपको फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले यू विल गेट इंटरेस्ट एट दी प्रेस्क्राइब रेट अब आपका जो पैसा रखा है यू आर अर्निंग ऑन दैट ये क्योंकि बेसिक मिनिमम रेट है बैंक की दस टेन पॉइंट सेवन फाइव इसके आगे एक मिनट जब ये पैसा उसको हर महीने का मिलेगा तो लेट भी हो रहा है ना प्रोजेक्ट ही इज गेटिंग समथिंग उसका पैसा जो है लाइक इन्वेस्टमेंट और लेट होने का बिल्डर पर बड़ी भाई भी पेनल्टी हो रही है क्योंकि मान लीजिएगा कि एक प्रोजेक्ट में एक हजार फ्लैट हैं और एक करोड़ का भी एक फ्लैट एवरेज है तो दस लाख रुपए साल की उस पर लाइबिलिटी आ रही hmm. है बिल्डर hmm. पर और वो करीब एक सौ करोड़ रुपए जाएगी बिल्डर के लिए तो बिल्डर भी अब जाएगा मैं जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट को पूरा करूँ जो उसने टाइम लिया है ना आगे डेढ़ साल का दो साल का वो कम से कम लेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से उसी को नुकसान है।, नुकसान है एक चीज और है इस कानून ने एक चीज और कही है कि यदि आप प्रोजेक्ट में रहना चाहते हो तो ठीक है यदि आपको लगता है प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो आपको राइट है कि आप इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर जाओ डिले होने पर विड्रॉ करने पर क्या है आपको पैसा मिलेगा आपका आपने जितना पैसे जमा कराया था उसका ब्याज मिलेगा और उसके बाद आपको कोई नुकसान हुआ जैसे इन्होंने कहा ना मैं किराए के मकान में रह रहा हूं ई एम पे कर रहा हूं यदि आपको नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए आपको कंपेंसेशन भी मिलेगा लेकिन यहां रेरा रह ने एक बैलेंस बनाना है क्या बैलेंस है यदि प्रोजेक्ट नब्बे हो गया और छह महीने में पूरा होना है जरूर हुआ है लेकिन यदि हम हमारा जिम्मेदारी है पैसे दिलाने की लेकिन जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं स्ट्रेस्ड हैं कोई चांस नहीं होने के रजिस्टर नहीं कराया उन मामलों में रेरा रह ने रिफंड किया है और होम बायर्स जैसे फ्लैट ओनर हमसे कुछ बातें पूछते हैं जैसे पहले क्या होता था कि जस्ट लीडर ढालने के बाद आपने क्लिंथ स्टार्ट किया और लिंटर पे ही 90 परसेंट पेमेंट आप ले लेते थे और फिनिशिंग का जो कॉस्ट होता था 50 परसेंट वो बचता ही नहीं था बायर्स के पास और मोस्टली आप बिल्डिंग्स देखेंगे जैसे आज अभी आप एक अभी फोटो लगा हुआ है बिल्कुल ठीक अभी इसमें क्या है कि लिंटर तो ढले हुए हैं लेकिन जो फिनिशिंग के फोर्टी चाहिए वो बिल्डर के पास है ही नहीं चूंकि बिल्डर ने ऑलरेडी नाइनटी ले लिया है कस्टमर से और 90 परसेंट लेके उसने दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया है तो ऐसा कुछ चेक है क्या कि 40 परसेंट जो हमें फिनिशिंग के लिए पैसे चाहिए वो हम रोक के रखे बायर्स के पास दूसरा चीज इन्होंने जैसा अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया ये जो डिस्प्यूट चल रहा है कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया ये जो कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया में लोडिंग फैक्टर का कोई डिसिप्लिन नहीं है सर कमर्शियल में तो लोडिंग 50 परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट सिक्सटी परसेंट तो वो आप जो सिक्स थाउजेंड रुपीज स्क्वायर मीटर जो आ, है वो ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज पड़ता है अगर आप उसको देखें तो कॉस्ट इज नॉट आई मीन इट इज नॉट एट ऑल वाइबल उसी तरह से आपके जो हाउसिंग है उसमें भी दो सवाल के साथ कुछ और सवाल एक साथ में चाहूंगी हाँ जी मेरा एक घर हमने लिया है लोटस बुलिवर्ड में वहां पे ओसी से नोएडा से है ओसी और सीसी सर्टिफिकेट मिल गया है बिल्डर ने तो जो चेक को लेकर के एक बात हो रहा है बिल्डर ने बोला जी ओ मिल गया रेरा में सारी चीजें कर दी उसके बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो रही है नोएडा अथॉरिटी के थ्रू नंबर एक नंबर दो समस्या ये है कि दिखा दिया गया रेरा के ऑफिसर्स आए चेक किए उसके बावजूद भी बिल्डिंग के अंदर यदि अनियमितताएं हैं स्पेसिफिकली जैसे की बात करें तो हाई राइज होती है उसमें लिफ्ट नहीं चल रही है नीचे बेसमेंट यस एग्जैक्टली बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी मिसिंग है आफ्टर रेरा के बावजूद एक ये है दूसरा जैसा सर ने बोला बहुत सही कि नब्बे परसेंट के आसपास पेमेंट 2010 में एक हम लोगों ने लिया हुआ है एक और दूसरा फ्लैट लिया हुआ था 2010 में पैसे देने के बाद आज तक इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन खड़ा है कुछ भी नहीं हो रखा है एज ए नॉर्मल बायर हम क्या कर सकते okay. आ, शंकर अग्रवाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे मैं उसके बाद लौट रहा हूँ खनेरवाल साहब आपका अग्रवाल साहब जो तमाम तरह के सवाल हैं दो बड़ी चीजें हैं रेरा कैपेबल है प्रावधान है, लेकिन क्या उसके पास मैन पावर और अथॉरिटी जो है क्योंकि जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी जो कि लैंड अलॉटमेंट कर रही हैं वहां पर बड़ी दिक्कत आ रही कि इंप्लीमेंट कराने में क्या उस तरह की पावर्स को भी रेरा को देने की जरूरत है या फिर अथॉरिटीज को चाहिए कि वो कहीं कही ना कहीं रेरा के साथ कॉपरेट करते हुए उन फैसलों पर अमल करवाएं जो शक्तियां रेरा को प्रदान की गई हैं मैं समझता हूँ कि प्रेजेंटली वो सफिशेंट है लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि रेरा के को ध्यान में रखते हुए और रेरा के अंतर्गत हम ओवर रेगुलेशन इस सेक्टर को कर दें लेट मी गो अ लिटिल बैक अगर जो अभी बात कर रहे थे कई लोग बात कि साहब ये अनरेगुलेटेड सेक्टर था ये जरूर अनरेगुलेटेड था तो सर्टेन एक्सेंट लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़ा एक हाउसिंग स्टॉक बना और उस प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ बिल्डर्स ने गलत काम किए ग्रीड की, की वजह से और कुछ और अनियमितएँ की गई लेकिन सबसे ज़्यादा अनियमितताएँ इसलिए होती हैं क्योंकि हम एक तरफ तो कहते हैं कि अनरेगुलेटेड सेक्टर है बट अगर इसेंस में जाएंगे तो देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर था एक तो जो लैंड हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो लैंड की अवेलेबिलिटी को बहुत श्रिंक कर दिया गया विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन इन द मास्टर प्लान तो आपने कहा कि केवल यही जो जमीन है यही केवल रेजिडेंशियल है और उस रेजिडेंशियल को भी कन्वर्ट कराने के लिए मान लीजिए एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराने के लिए चेंज इन लैंड यूज जो है ये केवल एक तो प्रोसेस पार्ट बहुत डिफिकल्ट था एंड सेकेंडली ह्यूज करप्शन वॉज इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग एंड सेकेंडली जैसे जैसे आवश्यकता हमें अर्बेनाइजेशन के लिए बढ़ती है एंड इट इज नेचुरल लोग अगर सोचें कि हम छोटे ही शहरों में रहें ये कभी संभव नहीं होगा पीपलिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया फ्रॉम स्मॉलर अर्बन एरिया टू बिगर अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इन सर्च ऑफ बेटर एंड सेफ एंड सिक्योर एनवाइ दैट विल है आइडिया ये होना चाहिए माइग्रेट मानी दिल्ली में लोग आगे एनसीआर में लोग आगे आर बी क्रिएटिंग गुड क्वालिटी कॉन्सर्वेशन हाउसिंग फेसिलिटीज uh, और वो नहीं कर पा रहे क्योंकि क्या हो रहा कि जो land है उस पर हमने ऐसे कब्जा कर रखा है जिससे कि हम लैंड को प्राइवेट सेक्टर में तो से से okay, से. रेरा के, रे के पास जो शक्तियां हैं वो काफी सफिशियंट है अगर हम उसका इंटेलिजेंटली यूज करें और ये देखते हुए करें कि दिस सेक्टर दो, दो टोटल सेक्टर जो है इको सिस्टम जो है वो हमेशा वाइब्रेंट रहना चाहिए और वाइबल रहना चाहिए सर मैं लौटता हूँ के पास जो खंडेवाल साहब ने कहा कि जिस तरह के प्रावधान है डिले पर पेनल्टी इसके साथ साथ टाइमली डिलीवरी तमाम प्रावधानों के बाद क्या बिल्डर्स या उनकी पॉकेट अलाउ कर रही है कि वो मकान भी दे दें और पेनल्टी भी दे पाएँ दूसरा सवाल एन रीजन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ आप ग्रेटर नोएडा या नोएडा से लेकर आप एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं या फिर हरियाणा में फरीदाबाद इस तरफ जाते हैं एक के बाद एक ऊंची इमारतें खड़ी हुई हैं लोगों ने पैसे जमा किए हुए हैं लेकिन फिर सवाल ये क्यों है कि मकान बिक नहीं रहे और सवाल ये क्यों है कि मकान मिल नहीं रहे पैसे देने के बाद देखिए अभी तक के जो जितने डिस्कशन हुई बहुत ही अच्छी हुई और सबसे अच्छी बात है देखिए सब लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं रियल इस्टेट के बट रेरा आया रेरा ने सबसे ज़्यादा किसको रेगुलेट किया बिल्डर को किया कोर्ट्स में सबसे ज्यादा रेगुलेशन किसके ऊपर है बिल्डर्स के ऊपर है बट नो अटैम्प्टज़ बिन मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बिल्डर्स आज की डेट में हम लोग बात करते हैं कि रेरा आ गया बट जिम्मेदारी जो एक सबसे बड़ा जो डेवलपर का जो स्टेक होल्डर है वो है डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को अभी तक रेरा के एम में नहीं रखा गया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अगर मेरे को टाइमली पानी का कनेक्शन नहीं देती हैं बिजली का कनेक्शन नहीं देती है मैं प्रोजेक्ट का पोजिशन कोई भी डेवलपर उसमें ऑफर नहीं कर पाता उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन लीगल इंप्लीकेशन किसके ऊपर आती है डेवलपर के ऊपर आती है रेरा ने एक बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया कि बिल्डर बायर से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है या बायर बिल्डर से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा दैट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस एस बी आई एमसीएल बट आज की डेट में भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज डेवलपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही हैं वो बारह परसेंट से लेकर अठारह परसेंट तक है और अगर आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली चले जाएंगे दो हजार दस ग्यारह में तो अठारह परसेंट से लेकर बयालीस परसेंट तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं किया गया कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट किया जाए या आज के रेगुलेटरी सिनेरियो के हिसाब से अलाइन किया जाए तीसरी बात हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जितनी भी हाउसिंग आ रही है वो 80 परसेंट प्राइवेट डेवलपर्स दे रहे हैं बट एक जो मास हाउसिंग आई जैसे राणा साहब ने कहा राजेश जी ने कहा कि ओवर सप्लाई हो गई देखिए रियल एस्टेट भी किसी दूसरे बिजनेस की तरह है आज ओवर सप्लाई की वजह से ही मार्केट में कॉम्पिटिशन की वजह से ही लोगों को दिल्ली एनसीआर में ढाई हज़ार से लेकर तीन हज़ार रुपये प्रति स्क्वायर फिट में घर मिला जो आप आजकल अगर टीआर टू या टी ए थ्री सिटीज़ में भी चले जाएँ जहाँ लैंड कॉस्ट फोटी परसेंट जो यहाँ पर है वहाँ पर भी ढाई तीन हजार में कुछ नहीं मिलता तो इस कॉम्पिटिशन की वजह से लोगों को अपने घर मिले दिल्ली एन में मिले लोगों के घर लेने का सपना साकार हुआ और रेरा के प्रोविज़न जैसा आपका जो तो पहला सवाल था इतने ज़्यादा सख्त हैं कि कोई बिल्डर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो प्रोजेक्ट डिले करे और बायर को उतनी पेनल्टीज है जो रेरा के अंदर प्रावधान है या तो वो इंस्टॉलमेंट होकर दिवालिया हो जाएगा और आगे काम करने के लिए बचेगा नहीं जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है ही विल इन्श्योर कि मैं पाँच प्रोजेक्ट की जगह सिर्फ दो प्रोजेक्ट करूँ बट क्वालिटी प्रोजेक्ट करूँ और उसको समय पर डिलीवरी दूँ एक नवंबर से दिल्ली एन के अंदर कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लगा हुआ है ड्यू टू पॉल्यूशन सर कंस्ट्रक्शन हम बारह महीने करते हैं अगर कंस्ट्रक्शन की वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता तो फिर वो बारह महीने होता देखिए आज की डेट में जब हम कहते हैं कि पोल्यूशन बैन है पोल्यूशन बैन से सिर्फ डेवलपर का नुकसान नहीं है जो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर लोन्स है उसके इंटरेस्ट ऑन गोइंग है स्टाफ सैलरीज ऑन गोइंग है लेबर पूरे डिसंटीग्रेट होकर अपने वापस होम टाउन जा चुकी है बट उसके अलावा जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए जितने उद्योग हैं दे आर बैडली इम्पैक्टेड रामा सब कई सारे हर्डल्स ये मैं कहूँ कि डिफॉल्ट लाइन जो दिख रही है फॉल्ट लाइन जिनको कि रेक्टिफाई करने की जरूरत है पहली चीज तो कही कि बिल्डर्स के एंड पर पेनल्टी की जो बात है या फिर टाइम बाउंड या सिंगल विंडो की बात है वहाँ पर अब तक कोई काम नहीं हुआ वेरा आने के बाद भी जो लैंड या फिर जो लोकल एजेंसीज हैं अथॉरिटीज़ हैं वहाँ के मैनेजमेंट या वहाँ का सिस्टम वो मैच नहीं कर पा रहा है या फिर कॉपरेट नहीं कर पा रहा इसलिए ज़्यादा दिक्कत है नहीं बिल्कुल है रेगुलेशन की बजाय हमें कंट्रोल हो गया है दूसरा हम एक बहुत ही क्लियर एम्पली अभी सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे कि लैंड अवेलेबल नहीं है लैंड क्यों नहीं अवेलेबल है मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ नॉर्मली डिस्कशंस में कि अगर हम पूरे इंडिया की सारी आबादी को भी अर्बनाइज कर दें तो हमें कंट्री के कितने परसेंट लैंड अर्बनाइज करनी पड़ेगी कैन यू गैस ओनली थ्री परसेंट ओनली थ्री परसेंट एंड दैट टू विद द विम्प्रूव लेवल ऑफ एवरीबडी बियॉन्ड एम आई जी टूडे तो तीन परसेंट लैंड हमने मास्टर प्लान में इतना आर्टिफिशियल स्क्योरिस्टी पैदा कर दी है कि हम प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं दूसरा बिल्डर लोगों से जब हम बात करते हैं कहते हैं अगर मैं किसान को एक करोड़ रुपया देता हूँ तो जब मैं उसके ऊपर फाउंडेशन रखता हूँ तो उसकी कीमत दस करोड़ हो चुकी होती है तो वो नौ करोड़ कहाँ गया वो किस चीज़ में वो कॉस्ट ऐड हुई हुँ. तो इस तरह की जो कॉस्ट हैं वो इसे अनअफोर्डेबल बना देती हैं हम कह देते हैं किसान की कीमत बढ़ गई किसान को तो पाँच लाख भी मिल जाए अगर सिर्फ खेती वाली जमीन है या बंजर है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन जब हम पचास हजार रुपये और साठ हजार रुपये गज बेचेंगे तो किसान कहता भाई मेरा भी हिस्सा दे दो तो ये एक विशेष सर्कल हमने स्क्यरिस्टी पैदा करके कर रखी है और वो है मैंने पहले भी कहा कि प्राइवेट सिटी सिंड्रोम की वजह से मेन प्रॉब्लम एक बहुत okay. ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे डेवलप्ड हुआ है जैसे आप देखिए डिमांड एंड सप्लाई सप्लाई बढ़ी हुई है डिमांड घटा हुआ है फिर भी कॉस्ट नहीं घट रहा है कॉस्ट घट जानी चाहिए बिकॉज बेसिक इकोनॉमिक्स थ्योरी कहती है बेसिक इकोनॉमिक्स थ्योरी कहती है कि जब भी सप्लाई ज्यादा होता है डिमांड से तो कॉस्ट नीचे आता है लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि आउट हो गया है नोएडा में टू बेडरूम फ्लैट्स आर कॉस्टिंग सिक्सटी लाख रुपीज सिक्सटी फाइव लैक्स रुपीज ग्रेटर नोएडा में टू बेडरूम फ्लैट्स आर कॉस्टिंग फोर्टी फोर्टी फाइव लैक्स रुपीज अब इनको बाई करने के लिए अगर टू बेडरूम फ्लैट्स अगर आप नोएडा कर में खरीदना चाहते हैं तो आपकी पर मंथ सैलरी वन लाख रुपीज के करीब होनी चाहिए एज पर बैंक तभी वो आपको फोर्टी लाख के करीब लोन देगा तो ये जो अभी आउटप्राइज जो हुआ है कहीं ना कहीं हमारा पूरा रेगुलेशन पूरा सिस्टम पिछले दस साल से जो वर्क कर रहा है ये इकोनॉमिक्स को इस स्थिति में लाके रख दिया है एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है दूसरा आउटप्राइज है तीसरा कंस्ट्रक्शन इंस्टॉल्ड हो गए हैं चल नहीं रहे हैं बिल्डर्स के पास पैसे नहीं हैं इतने पैसे गए कहां ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बैंक्स के भी पैसे निकल गए बैंक्स भी आज इस स्थिति में बैठा हुआ है कि लोन देने की स्थिति में नहीं है तो हमें इसे पूरी तरह से स्टडी करनी नहीं लेकिन जो आपने पॉइंट कहा उसमें ज्यादातर मसले रेरा के आने के पहले हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कानून को उसके आने के बाद अगर एनसीआर में ही देखू। जैसा कि साहब रेरा के इम्प्लीमेंट होने के बाद फंड को डाइवर्ट करना नामुमकिन अभी जो पिछला प्रॉब्लम चला आ रहा है मैं इसीलिए मैं पुराने मसलों पर आ रहा हूँ कि जो पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट हैं अब सवाल है कि उनका उपाय क्या है वो मकान कैसे कंप्लीट हो और कैसे मिले देखो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं वो रेरा की पूरी की पूरी एम्बिट में है वो रेरा की रिग्रियस मॉनिटरिंग में है कंपेयर तो टू न्यू प्रोजेक्ट्स क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक बार डिरेल हो चुके हैं एक बार वो प्रोजेक्ट डिले हो चुके हैं तब तो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना हमारी प्रायोरिटी है और मैंने बताया नहीं बहुत सारे मामलों में जैसे कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं नए प्रोजेक्ट का उसका पुराने प्रोजेक्ट का जो कि पूरा नहीं हुआ है कई वर्षों से डिले है पाँच पाँच छः साल का डिले है तब हम उसको बहुत माइन्यूटली एग्जामिन कराते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा और पूरा जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि जो हम हिसाब लगाते हैं कि अनसोल्ड इन्वेंट्री प्लस मनी टू बी रियलाइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बायर्स यदि ये ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो बैलेंस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और यदि कम भी है तो पैसा कहाँ से आएगा वी अरेंज दैट मनी अब क्वेश्चन है हम दो सवाल बड़े अच्छे उठाए जो रेरा रह के आने से पहले पहली चीज तो यह है कि कोई भी चीज़ गलत है वो हमेशा गलत है रेरा से पहले हो या रेरा के बाद में हो आपने कहा कि वो जो सुपर एरिया और नेट एरिया में बड़ा भारी हुआ है सुपर एरिया कार्पेंटिंग तो पहले रेरा के आने से पहले इसमें इस स्पष्टता नहीं थी लेकिन अंधेरगर्दी भी नहीं है स्पष्टता नहीं थी उसका क्या हुआ कि अब जो रह के आने की बात यह है कि आपको कारपेट एरिया बेसिस पर ही अपनी प्राइस इंडिकेट करनी होगी और सब कुछ इंक्लूजिव इस है इसमें इसमें चाहे जीएसटी हो दूसरे टैक्सेज हो लेकिन वही टैक्स कोई नया टैक्स आ गया हो उसको छोड़ करके जो भी एग्जिस्टिंग आपका वो है वो सारा के सारा इंक्लूड करना है चाहे कम्युनिटी फैसिलिटीज हैं चाहे वो आपकी दूसरी और आप उसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या आप उसमें कोई कॉमर्शियल कन्वीनियंट शॉपिंग दे रहे हैं वो सारी हर इसमें इंक्लूडेड हैं तो यहाँ चांसेज बेईमानी के बहुत कम हो गए पहले कुछ ए नस लोगों ने क्या किया जैसे एफ है एक लाख स्क्वायर फीट एफ एक बिल्डर को मिला इसको समझने की ज़रूरत है तक ये सारा झगड़ा खत्म हो जाता है इस पर हम लोगों ने यहाँ काफ़ी हम लोगों ने इस पर वर्क किया है और इस तरीके की जो अनियमितता है ना उन अनियमितताओं को ठीक भी किया है पैसे ही वापस कराए इन लोगों के एक लाख स्क्वायर फीट मान लो उसको एफ अलाउ किया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसने उस एफ से सौ सौ मान लीजिए उनके एक हजार फुट का उन्होंने कहा सौ आदमियों को एक एक हज़ार फुट उसने अलाउट कर दिया तो सही हो गया एक लाख स्क्वायर फीट बिचा उसने एक लाख स्क्वायर फीट अलाउड था एफ अब क्या हुआ उसके बाद दस आदमी और आ गए चूंकि उसने ओवरऑल एफ आर जो एफ आई आर मीन्स टोटल एरिया चाहे वो अंदर का एरिया कारपेट एरिया हो या कॉमन फैसिलिटीज का एरिया इसको? हो वो सबको मिला करके हुँ. हम लोगों ने फिर ये किया कि जितने जो बिल्डर जिसकी भी शिकायत आई उसका एफ आर टोटल कितना था और टोटल उसने कितना वो बेचा है यदि वो ज़्यादा हो गया बेचा हुआ उसने एक लाख चालीस हज़ार हो गया हुँ. तो वो चालीस हज़ार स्क्वायर फीट बेसिकली उसकी गलत लोडिंग थी क्योंकि तो बेच तो एक एक ना वो 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 चालीस यदि फोर्टी परसेंट उसने यदि एडिशनलिटी किया तो हमने फोर्टी परसेंट कम कराए हैं और इस तरह के ऑर्डर्स लेरा रह ने पास किए हैं और जो एक धांधली थी या जो एक उसके साथ एलोटी के साथ जो एक वो की गई थी जिसे कहा जाए कि एलोटी को चीट किया गया था उस चीटिंग से उसे बचाया है तो पहले okay. दे समझ में दूसरी चीज़ जो आपने एक और बात कही पुराने में डिफेक्ट्स की मेरी पहली चीज तो ये क्लियर है कि सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हदा कियाट में हैं। अब वो आगे मॉनिटर होंगे यदि पहले कोई शिकायत आती है कि साहब लेआउट प्लान चेंज कर दिया इस चेंज कर दिए क्वालिटी खराब चल रही है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड तो ठीक होना बड़ा सरल है यदि आप कंस्ट्रक्शन चल रही है और आपके नोटिस में आता है तो आप उसे डायरेक्शन दे देते हो सेक्शन चौदह के तहत बिल्डर इज बाउंड टू कंस्ट्रक्ट एज पर दी अप्रूव प्लान एंड स्पेसिफिकेशन यदि उस दौरान आपका शिकायत आ गई क्योंकि तो अल्टीमेटली हैज़ टू कम एंडर्स के लोग यहाँ गलत हो रहा है क्वालिटी खराब हो रही है वहाँ हम लोग अपनी इंस्पेक्शन टीम भेज करके बाकायदा उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट भी कराते हैं हम लोग उसका वो इंजीनियरिंग ऑडिट भी कराते हैं कि काम ठीक है, है और नहीं काम खराब है तो वी इश्यू डायरेक्शन टू दिल्डर कि आप इसे ठीक करिएगा काम गलत काम हो रहा है उसको रुकवा देते हैं और वो ठीक करता है ठीक नहीं करेगा

पहले ही मामला उठ चुका है और ये समझना चाहिए सबको पहली चीज तो रेरा रह में बिल्डर जो है वो एक डेट देता है कि इस तारीख को मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा, तो करूंगा। पहले और अब में फर्क क्या है देखिएगा पहले बिल्डर बाय एग्रीमेंट होता था बिल्डर बाय एग्रीमेंट में वो लिखता था कि मैं इसमें तीन साल में इसे पूरा करूंगा आपका भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ मान लीजिएगा कि दो में तो दो का हो गया मैंने दो में किया एक दो हजार सोलह हो गया आपने दो हजार सत्रह में किया तो दो हजार बीस हो गया प्रोजेक्ट तो एक ही बार पूरा होगा अलग अलग तो अलग अलग पूरे नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ी थी और उसके कारण अनुमल को बहुत ज्यादा नुकसान भी था अब रही बात दूसरी दो तरीके के डिलेज हैं जो बिल्डर के हाथ कारण डिले हैं अपनी खुद की गलती से डिले हैं वहां तो कोई कंस नहीं होना चाहिए लेकिन जहां बिल्डर के हाथ में नहीं है वहां हम लोग एक्सटेंशन देते हैं और एक्सटेंशन में दो चीज कंसिडर करते हैं एक्सटेंशन जो दिया गया है वो बिल्डर की कमी के कारण है तो बिल्डर विल पे फॉर दी जो उसको देनी है और यदि वो बिल्डर की कमी नहीं है तो जैसे आपने कहा कि हम लोग ग्रेस पीरियड अलाउ करते हैं रेरा रह कोई अंधा नहीं है यदि आपके जहात में जो चीज नहीं है और आपने उसका जस्टिफिक, जस्टिफिकेशन दिया है तो उस कस्वी को मान करके हम लोग एडिशनल ग्रेस पीरियड अलाउ करते हैं और बिल्डर पर उसकी कोई मार नहीं पड़ती बहुत छोटे सवाल था था कि सबके की बात सुन रहा पहले मैं उन्होंने जो बोला कि प्री रेरा और पोस्ट रेरा बोला कि पोस्ट रेरा के बाद हम लोग पेनालिटी के डर से हम लोग दे देते हैं फ्लैग्स दे रहे हैं इसका मतलब कि बिना डर के हम कोई काम नहीं करते पहली, पहली चीज दूसरी चीज सर मैं जो कहना चाहता हूं गौरव जी दो चीजें होती हैं इच्छा और इच्छा शक्ति आप लोग के अंदर इच्छाएं है तो हैं फ्लैट देने की क्योंकि ये आपका बिजनेस है कोर बिजनेस है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है सर और बिना इच्छा शक्ति के फ्लैट नहीं मिल सकता अब मैं आता हूँ टेक्निकल बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जो रीजन है और जो जेनविन रीजन है रविंदर जी इस बात पे गौर करिएगा खंडेलवाल साहब आप लोग भी आपने एक प्रोजेक्ट है सौ लाख का सौ करोड़ का मान लिया आपने नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट कर लिया आपने बैंक से लोन ले लिए बायर से नाइन्टी परसेंट पैसे ले लिए एट्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट जो भी आपका जो काउंटर पार्ट है आपके जो राइट हैंड्स हैं कौन है आपका सप्लायर आपका पार्ट कौन है आपके कंट्रैक्टर, आपने उन्हें पेमेंट नहीं दिया अगर नब्बे करोड़ का आपने काम कर लिया हुँ. और आपने अपने कंट्रैक्टर को और अपने सप्लायर को पेमेंट दे दिया होता तो दस परसेंट पेमेंट बिना बायर के पेमेंट आए भी वो, वो कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर पूरा कर देते संक्षेप में मेरा सवाल रेरा से है आज रेरा बना हुआ है अभी आपने एक बात कही कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं जिससे हम गवर्निंग बॉडीज़ को यू नो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वो एक फैक्ट है आपने रेरा के बाद मेरे कई सारे नोन हैं जिसमें मेरा भी एक फ़्लैट है मैं रेरा का आर्डर लिए घूम रहा हूँ पिछले तीन साल से हंड्रेड रिफंड का आर्डर है मेरे हाथ में कहाँ पर आपका फ्लैट है नोएडा नोएडा लोटस बुलेवट फिफ्टी परसेंट पेमेंट प्लान में था वो प्रोजेक्ट फिफ्टी परसेंट पेमेंट एक साथ दी फिफ्टी परसेंट वॉज ऑन डिलीवरी प्रोजेक्ट दस साल डिलेड है ऑलमोस्ट रिफंड रेरा ने ऑर्डर कर दिया है वो लेटर लेके डीएम के पास गए एग्जीक्यूशन के लिए डी ने उस पर कुछ नहीं किया दोबारा इनके पास गए इन्होंने डीएम को बोला होगा रेरा के लोगों ने अधिकारियों ने आर कट गई बिल्डर की फिर भी पेमेंट नहीं मिली सारे एक्शन रेरा भी कर रही है डीएम भी कर रहा है आई एम नॉट गेटिंग द पेमेंट मैं इसी पॉइंट बनाना चाहता था क्योंकि खंडेलवाल साहब में वक्त खत्म हो रहा है हरियाणा से खंडेलवाल साहब आए मैं स्वागत करता हूं बधाई भी देता हूं हमने कोशिश की थी कि यूपी रेरा से भी कोई आए और नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी के लोग लेकिन वो आने से उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते हैं अब मैं बहुत संक्षेप में दो चीजें हैं। के पर बहुत है। दूसरा, रेरा के ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन यूपी में बैंक फंड नहीं कर रहे ये दो इशू कैसे सॉल्व हो देखिएगा कानून नया है और नए कानून में तीन ट्रबल होती है अभी तीन साल तो कर रेरा को आए ही नहीं हुए एक मई 2017 को बेसिकली ये रेरा रह आया अब इसमें चीज़ ये है कि आपने कहा कि ऑर्डर रेरा रह, करता है रेरा के ऑर्डर की दो तरह से कम्प्लाइंस होती है पहली कम्प्लाइंस तो क्या है जो सेक्शन 40 है रेरा का वो कहता है कि इंटरेस्ट पेनल्टी एंड कंपनसेशन की रिकवरी एरियड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह होगी उसमें रिफंड नहीं है वर्ड जो एक्ट में कमी रहेगी वो रिफंड नहीं है वो हमने सेस्ट किया है। लेकिन उसका दूसरा तरीका है तो इनकी जो रिकवरी एज एरियड ऑफ लैंड रेवेन्यू होगी ये एक पहला ऐसा लॉ है जिस लॉ में नॉर्मल कोर्स में सरकारी ड्यूज होते हैं गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं उनकी रिकवरी तो एज एरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू हो जाती है इसमें प्राइवेट ड्यूज़ की रिकवरी के लिए आपको ताकत दी है कि आप एरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू करा लें एरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू में क्या सिस्टम है यदि बिल्डर के पास पैसे हैं और वो नहीं दे रहा है तो आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लोगे उसकी ऑप्शन कर दोगे या उसको बंद कर दोगे

एक प्रोविजन है रेरा का कोई भी आदेश ये तो चलो आपने पैसे की रिकवरी होगी पेनल्टी लगा दी इंटरेस्ट लगा दिया कोई भी कानून रेरा का कोई भी आदेश रेरा का कोई भी निर्णय रेरा का कोई भी रेरा की ओर से जारी की गई इंस्ट्रक्शन वो सभी के सभी एज ए डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट रूल्स में हरियाणा में पावर है एज ए डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट की जाती है और सिविल कोर्ट की पावर आपको जब कोर्ट की पावर एग्रेस पावर है लेकिन थोड़ा सा लेंथी टाइम है क्यों लगता है क्योंकि आप पहले और सबसे पहले उससे लिस्ट मांगते बताओ इसकी लिस्ट को प्रॉपर्टीज क्या है लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती तो फोर्टी वन आप नोटिस जारी करते हो भाई आप ये बताओ कि आपकी प्रॉपर्टी आप एफिडेविट दे दो वो नहीं देता है उसके बाद मान लो है ही नहीं उसके बाद तब उसको उठा के तीन महीने के लिए आप सिविल सर्जन भेज देते हो उससे कुछ डर बैठा है लेकिन उसका पर्पज हमारा ये है कि किसी भी तरीके से बिना इस तरीके की स्थिति में आए आपका पेमेंट दिलाया जाए थोड़ा देर जरूर हुआ होगा आपको लेकिन मैं बताता हूँ

जो पुरानी प्रॉब्लम है सरकार का है, जो पच्चीस हजार करोड़ का ये फंड है उन प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलेगा जो लास्ट माइल फंडिंग की वजह से रुके हुए थे तीसरा ये जो जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि प्रोजेक्ट इंडस्ट्री बहुत ओवर रेगुलेटेड है इसमें कुछ स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स बना के इसको थोड़ा अनरे रेगुलेट करने की okay. जरूरत है सर तो मेरा तो एक ही सजेशन है कि वी हैव टू डेवलप स्मॉलर इंडस्ट्रियल सिटीज क्योंकि मेगा सिटीज पे जब तक प्रेशर कम नहीं होगा हमारी कॉस्ट कम आ ही नहीं सकती ओके मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी यूपी रेरा का एक प्रॉब्लम जो खंडलवाल साहब को मैं बताना चाहता हूं बिल्डर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के एन नहीं देता है जिसके कारण अथॉरिटी ट्रिपाटाइट में आती है अथॉरिटी कहती है पहले बिल्डर से आप एनओसी लाइए तभी आपकी रजिस्ट्री होगी वो फिर एनओसी नहीं देता एक जल्दी है हाँ, हाँ। पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि डेवलपमेंट ऑथॉरिटीज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दोटल इकोसिस्टम वो ऐसे बाहर की नहीं है कोई हम लोगों ने जब भी कभी इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं

यहाँ रेरा रह ने एक बहुत अच्छा हम लोगों ने जो इस, इस किया है हम जो उसकी किस्तें बनवाते हैं ये नहीं है कि फर्स्ट पर बीस परसेंट ले लिया और जब वो लास्ट ऊपर वो डला स्लैब तो उसमें नब्बे परसेंट ले लिया ये नहीं हम उसके प्रपोर्शनेट तरीके से हमने उसको बांटा अच्छा। है लैंड कॉस्ट एक तरफ कर दी टोटल कॉस्ट के पांच कंपोनेंट कर दिए पहले सब स्ट्रक्चर फिर सुपर स्ट्रक्चर हमने वो स्लैब पर नहीं आ रहे सुपर स्ट्रक्चर देन एन गोइंग फॉर दिस क्या एम ई पी इलेक्ट्रिकल हाँ एंड इसके बाद हम जाते हैं फिनिशिंग तो इस तरह बहुत शंकर साहब वेट कर शंकर साहब तमाम सवाल हैं अभी भी वही सवाल है कि घर कब मिलेगा कैसे मिलेगा बिल्डर्स रेरा सब कुछ है आदेश भी हैं लेकिन कहाँ पर है जिसको सुधारने और तेजी के साथ बदलने की जरूरत है इसके लिए जैसे किसी ने कहा एक बिल पावर की आवश्यकता है और बिल पावर में हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे तो उसको कुछ नस, नतीजा नहीं निकलेगा हमको कोशिश करनी चाहिए बैठ के मिलकर लेटेस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन क्योंकि जो स्टॉल प्रोजेक्ट हैं स्ट्रेस प्रोजेक्ट हैं उनका कोई एक जो हमारे जो जैकेट्स बना दिए हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन के उसके अंतर्गत कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा

मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया अर्बन डेवलपमेंट आई अ पार्ट ऑफ दैट जो रेरा एक्ट बना उसका मैं पार्ट था उस समय भी मेरा ये व्यू था कि हम कोई ऐसा चीज़ नहीं कर दें जिससे पूरा सेक्टर ही अनवाय होगा मेरा अपना असेसमेंट है कि बिकॉज ऑफ रेरा और जिस ढंग से हम लोग रेरा को लागू कर रहे हैं जिससे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हुँ. कहीं ऐसा ना हो जाए कि केवल पाँच दस ही जो बड़े बिल्डर बचेंगे वो एक और डीप पॉकेट जो

कई बरस दस साल डेढ़ दशक से इंतजार कर रहे हैं उनको समय पर नहीं मिला हो तो कम से कम अब मिले और पेनाल्टी के जो अधिकार रेरा ने दिए वो उसका हकदार बने और साथ ही साथ बिल्डर्स का कॉकस तैयार होने की दो तीन बड़ी कंपनी ताकि वहां पर भी मोनोपोली हो और उसका लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहे बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस जुड़ने के लिए लेकिन फिलहाल फिलहाल आज इतना ही मैं माफी चाहूंगा फिलहाल आज इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार